आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना चाट। ये मैंने सुबह की बची हुई सब्जी से बनाई है, आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बची हुई चने की सब्जी या फिर मसाला चना, थोड़ी बारीक सेव, एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े अनार के दाने, एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 से 3 चम्मच दही और 2 चम्मच टमाटर केचप। तो चलिए दोस्तों इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले चना ऐड कर देंगे, उसके बाद हम प्याज को ऐड करेंगे, उसके बाद टमाटर, अनार के दाने, थोड़े हम बचा के रखेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, और दही। और 2 चम्मच टमाटर सॉस। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। देखिए दोस्तों मैंने पूरे चाट को इस प्लेट में इस तरह से निकाल दिया है। अब इसके ऊपर से हम बारीक सेव डाल देंगे। और ऊपर से थोड़े अनार डालेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे कुछ इस तरह से गार्निश कर लिया है। आप अपनी इच्छा से किसी तरह से भी गार्निश कर सकते हैं, प्लेट को सजा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।